वापस एक बार आप सभी का स्वागत है गाइस एक खतरनाक व्लॉग के अंदर। मैं अभी थोड़े टाइम पहले उठा हूँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा नींद में हूँ। थोड़ा जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि अपने को थोड़ा सा दूर जाना है, एक हिल स्टेशन टाइप है इगतपुरी के, वहां पे आज हम लोग जाने वाले। आज है हम लोग के आई बाबा की एनिवर्सरी। ये वीला वगैरह सब क्या बोलते हैं अरेंजमेंट वगैरह करवाना, ये सब विकास ने किया था। मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। देखो ये एक स्पीकर है, इसको चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये देखो पावर बैंक्स वगैरह, ये सब चीजें भी लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग कल वापस आने वाले, आज वहीं पे रुकेंगे। मैं ना गाइस पहले फटफट से नहा लेता हूँ और आज मैं वहाँ स्किन साइंस की द ओरिजिनल ऑनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज यूज करता हूँ। ये हेयर केयर अपने नेचुरल एंशिएंट विजडम से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ ये वहाँ स्किन साइंस का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, जिसके साथ ऑयलिंग करना इजी हो जाता है। और इसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ब्लेंड है लाइक रेड अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल, आलमंड, कैस्टर, जोजोबा, ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल। ये ओरिजिनल एंड मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल ऑनियन ऑयल से बना है। ये ऑयल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रिज हेयर एंड स्कैल्प के इश्यू को कम करने में भी हेल्प करता है। ये ऑयल आपके थिन एंड वीक हेयर को रिवाइव करता है। ये एक वन स्टॉप हेयर फॉल सॉल्यूशन है। अभी गाइस इसको कम से कम एक घंटे तक ऐसे रखना पड़ेगा, तब तक हम लोग यार बाकी सारी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, काफी सारा काम बचा है। एक घंटा हो गया है, अभी मैं यूज करता हूँ रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इस शैम्पू में अनियन की गुडनेस है जो हेल्प करता है वीक हेयर को रिवाइव करने में एंड रफ हेयर को मॉइस्चराइज करने में। ये शैम्पू आपके हेयर को हेल्थी बनाकर हेयर को स्ट्रांग बनाता है, इवन आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपके हेयर में शाइन रिस्टोर करता है। अब आई एम यूजिंग वाव स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर। इसमें है रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन। ये कंडीशनर हेयर को स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करता है और हेयर को मॉइस्चराइज्ड एंड नरिश्ड करता है। आप हेयर देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स पे दिए गए QR कोड से आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते, जैसे कि सल्फेट्स, पैराबिन, सिलिकॉन्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड ईशान20 यूज कर सकते हो जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इनकी वेबसाइट buywow.in पे। बी वाव नेचुरली। ए जल्दी कर, चल टाइम हो रहा है। ओ भाई भाई अपने को निकलना है गाइस, जल्दी निकलते। ये अपना चश्मा भी ले लेते हैं साथ में। अभी मैं फुल्ली रेडी हूँ, तैयार हो चुका हूँ दोस्तों। एक्चुअली ये वाले असली कपड़े नहीं, असली मतलब नकली नहीं, ये भी असली कपड़े, बट ये वाले कपड़े इवेंट में नहीं पहनने वाले। लाइक जब हम लोग कुछ भी सेलिब्रेट करेंगे आज, तब नहीं पहनेंगे, ये सिर्फ जाने आने के लिए, क्योंकि काफी लॉन्ग ड्राइव है। अच्छी ड्राइव यार, हम लोग ना आज सनरूफ यूज करेंगे भाई, मजा आएगा। आने दे। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है ये गाड़ी? देखो यार ऐसे वाले ड्राइवर मत रखा कीजिए, ठीक है? मैं क्या फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ? गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ गए और वहाँ पे सब लोग अभी बैग्स वगैरह रखेंगे। जगह काफी बड़ी है, मैंने जस्ट थोड़ा यहाँ वहाँ देख लिया, ठीक है? एक जैकूजी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन एक जैकूजी के ये देखो भाई, इसमें मैं बैठ के देखूंगा, देखते हैं आज शाम को अगर टाइम मिले तो। अपने को शाम के समय हम लोग क्या बोलते हैं जो मेन सेलिब्रेशन वो शाम के समय करेंगे। अबे भाई कैसे तो ना पानी आ रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले आते ही ना, पहले अभी अपने को खाना खाना पड़ेगा क्योंकि लेट हो गया था निकल रहा। सब लोग अभी खाना खा रहे हैं भाई, अरे जल्दी खाना का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये लेट उठता है बंदा। ये देखो दोस्तों ये है इतना बड़ा, अबे साइड हो जाना भाई, क्या ब्लॉग नहीं करने देते भाई। ये देखो इसको देखो भाई, ये देखो इतना बड़ा विला एंड बाकी तो थोड़ा ऊंचाइयों पे है तो यहाँ पे बस सब व्यू आता है, हवाएं अच्छी चलती है। बस है ना थोड़ा ये टाइम पे आना चाहिए था, बारिश के टाइम पे तो और मजा आता,
मैं ना आपको एक फटफट से विला टूर भी दे देता हूँ। जैसे अंदर आते तो देखो भाई सीधा देखने मिलता है ये इंफिनिटी का स्विमिंग पूल। ये देखो क्या बढ़िया, एकदम बढ़िया। आई थिंक ये कुछ लिविंग रूम। भाई मत आना भाई, सुनते नहीं यार। फ्रैंकलिन का घर लिटरली गाइस, ये फ्रैंकलिन से बेहतर घर है। यहाँ पे लिविंग रूम वगैरह दिख रहा है मुझे। भाई एसी कितने लगाए, इतने तो मेरे घर में मिलके होंगे सारे। यहाँ पे बैठ सकते हम आराम से। ये क्या चीज है जानू भाई, ये क्या है? ठीक है, कुछ भी अजीब अजीब सी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही, किस लिए यूज होता है भाई? वो अमीरों वाली चीज होगी, वो समझता नहीं हम लोग को क्या है, आर्ट समझता नहीं। मैं अब टेबल टेनिस वगैरह खेलने को है। और भी नीचे जा सकते हैं, थोड़ी हरियाली कम है। वो देखो लिटरली यार ऐसे स्विमिंग पूल का पानी ना एच पे जा रहा है, इतने से उड़ रहा है ऊपर से। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है और यहाँ पे चल रहा है इन लोग का फोटो सेशन। अभी फोटो वगैरह बाद में, पहले कपड़े बदल के आ जा। यहाँ पर है ये फर्स्ट वाला बेडरूम। ठीक है यहाँ से सीधा सामने व्यू देखने मिलता है, बड़ा सा टीवी है। बस इसका एक ही दिक्कत है इसकी कि इसका बाथरूम काफी बड़ा है, बट ये काफी ओपन है, लाइक लिटरली काफी बड़ा बाथरूम है। लेकिन यहाँ पे दरवाजा है नहीं सीधा, मतलब समझ लो ना। ठीक है झाड़पाला बेडरूम के अंदर, मतलब कितनी जगह ले लिए झाड़पाले ने, इसके अंदर जा भी नहीं सकते, बस झाड़पाला यहाँ। आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी एक नंबर का बेडरूम हो गया, टोटल 5 बेडरूम है यहाँ पे। सेकंड वाले बेडरूम पे आते हैं अभी। ये बेडरूम है क्या? नहीं ये नहीं बेडरूम, ये वाइन शॉप है। नेक्स्ट वाला सेकंड वाला बेडरूम आपको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से भी व्यू काफी ज्यादा अच्छा है। ये देखो यहाँ से भी व्यू मिल जाएगा आपको बढ़िया सा एकदम। काफी बढ़िया जगह है ये सब। चलो टीवी वगैरह है, बाथरूम वगैरह सेम स्टाइल के लगभग सब जगह। ये भाई बाथटब वगैरह है। भाई लिटरली बोलता हूँ मैं बहुत बाथटब कम यूज किया है, इतने होटल्स में गया हूँ भाई कभी बाथटब यूज ही नहीं करता। आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का ऊपर 3 है, नीचे 2 बेडरूम। तो ये 3 नंबर का बेडरूम आता है यहाँ पे। ये काफी ज्यादा बड़ा है ऊपर वाले बेडरूम्स में से। तो यहाँ पे देखो 2-2 बेड है, यहाँ पे भी व्यू है, लेकिन यहाँ पे कर्टन्स बंद कर दिए हैं। क्या अजीब अजीब सी चीजें लटकाई है ऊपर से। ये देखो यहाँ से भी व्यू दिख जाएगा। ये वाला काफी बड़ा है यार बेडरूम। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई कौन है तुम लोग, क्या कर क्या रही है लोग, देखो ना भाई क्या क्या। भाई हम लोग थोड़े मतलब हमको नहीं समझता है सब। ठीक है देन आदि की ओर आपने देखा होगा इस जगह पे हम लोगों ने खाना खाया था, बच्चे हुए बेडरूम है नीचे, तो नीचे चलते वापस से। नीचे जाने के लिए अपने को ये 2 नंबर के बेडरूम से यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हरियाली भी है, यहाँ पे किसी को बैठना है बैठ सकता है, सामने नजारा एंजॉय कर सकते हैं। तो नीचे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नीचे थोड़े से छोटे रूम है, छोटे वाले हाइट थोड़ी सी कम है। एंड आगे की ओर देख सकते हो यहाँ पे अपने 3 बेडरूम है, उतनी 3 बेड से एक ही बेडरूम बन रही है, बॉयज गैंग रहेगी। आगे की ओर यहाँ पे एक और बेडरूम है। हाँ अच्छा यहाँ पे 2 बेड है एक ही बेडरूम है, लेकिन ये भी काफी बड़ा है, लाइक यहाँ पे सीटिंग एरिया। झाड़ पाले घर के अंदर झाड़ होते मुझे पता नहीं था, मॉडर्न आर्ट बोलते भाई इसको। ये यहाँ पे देख रहा था मैं बोला भाई ये क्या अजीब सी जगह है, बाद में देखा ये भाई मिरर है इस पे, ये मुझे पता नहीं ये सब चीजें भाई। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता हम लोग को कोई भी बेड मिल जाए, आई बाबा को अच्छा वाला बेड देंगे। गाइस अभी एक्चुअली इम्पोर्टेंट काम का वक्त आ चुका है, जो करना है, जिसके लिए यार विकास यहाँ पे आया है वो फोटो निकालने। लिटरली भाई फोटो निकालने के लिए आया बंदा, उसके फोटो निकालने पड़ेंगे। दोस्तों भाई थक जाता हूँ, इतने फोटो निकालने पड़ते, मेरे लिए एक लाइक बनता है प्लीज। अभी सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं खतरनाक वाली। आई होप की आवाज आपको सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो गाइस क्या इंफिनिटी पूल है भाई, पीछे पूरा का पूरा क्या बोलते ओपन है, मजेदार है। समय में क्या दिख रहा है गाइस, ये पूल क्या बढ़िया सा दिख रहा है, व्यू भी काफी मस्त आ रहा है। अभी तो मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, कभी अभी हम लोग को करनी है केक कटिंग वगैरह एनिवर्सरी के लिए। चलिए चलते आ जाओ गाइस। अभी ये देखो मैं रेडी हो गया हूँ लगभग, विकास भी रेडी हो गया है और एकदम ऐसा नॉर्मल सा कैजुअल सा लुक पहन रहे, क्योंकि भाई कुछ पार्टी वगैरह जैसा फंक्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है अपना। अबे मिरर से भाई आईफोन वाले बन, ये देखो इनको देखो। अरे देख रहा हूँ कैसा लगता है। ओ, भाई भाई ये वाले बंदे नहीं सुन रहे, इनको लाना ही नहीं चाहिए ऑनेस्टली बोलता हूँ, लाना बट यार भाई है इसलिए अब क्या करें। ये देखो भाई क्या तैयारी की है यहाँ पे, एंड इशू यही हो गया है बस, सामने ना काफी सारे गुब्बारे थे वहाँ पे। ठीक है एक एक करके सारे के सारे फट गए, सुबह किए थे और यहाँ पे हवा बहुत थी। भाई ये वाली लाइट्स काफी बढ़िया है, ठीक है ये वाली मुझे काफी पसंद आ गई, बस गुब्बारों का इशू हो गया बस। सब लोग वेट कर रहे खाने का, खाना मस्त है लेकिन होता क्या है बार बार खराब हो जाते, फोटो नहीं निकलता इसमें। ये किसी
किसी को भी कुछ बर्थडे एनिवर्सरी कुछ डेकोरेशन कराना है इससे कॉन्टेक्ट कीजिए ठीक है। गाइस अभी डांस के लिए बोला था इन लोगों ने लेकिन किसी ने डांस नहीं किया सही से, बस मैं और इसने ही किया है ठीक है। हम ही सही से डांस करते हैं। भाई ये बंदा सो गया है, हम लोग को लगा कुछ गेम्स खेलेंगे हम लोग। क्या करे भाई आलसी बंदा है, यूट्यूबर कैसे बनेगा, व्लॉग कैसे बनाएगा। इधर ये गेम खेला जा रहा है ठीक है। गाइस अभी हम लोग खेल वाले कैरम और ये मेरा पार्टनर है एंड ये दो पार्टनर से। और गाइस जो हारेगा ना उसको एक ऐसा सपाटा लगेगा, सपाटा झटका लगेगा पानी का। जीतेगा भाई जीतेगा, धोनी पंत क्यों जीतेगा, कमांडर जीतेगा। अरविंद क्वीन के पीछे भाई गेम टेंस हो गया। हाँ देखो भाई यहाँ पे इतने स्ट्रेटेजी भाई साहब शॉर्ट होना चाहिए। गाइस गेम टेंस हो चुका है, दो दो नहीं इनके तीन, इनके दो बच्चे चार बच्चे ओके। अरे मार दिया रे इसने, नहीं हुआ भाई। सही में कर दिया इसने, वैसे बेसिकली बोलेंगे मैच ड्रॉ भाई, झगड़ा हो गया भाई, झगड़ा हो गया मेरे घुटने में, घुटने में उड़ गया भाई, प्लेयर इंजर्ड, प्लेयर इंजर्ड। गाइस इतना इंटेंस कैरम मैच हुआ ना भाई, थक गया अभी खेल के, थोड़ा पानी पी लेते पहले। यहाँ पर मैं अभी बैठा था और सामने अपने मुझे चांद दिखा ठीक है, तो मैंने सोचा चांद का फोटो निकाल दे। लिटरली ये देखो फोटो निकल गया मस्त सा फोन में, आपको दिखाता गया देखिए 100x पे हम लोग अभी। एंड ये देखो फोटो निकाला ना सही से, एकदम बढ़िया फोटो आता है यार। अभी नेक्स्ट वाला गेम खेलेंगे वो है मोनोपॉल। तू गेम खेलने आ रहा है या फिर एंजॉय करने? Enjoy his gaming. अभी गाइस हम लोग खेल रहे हैं मोनोपॉली, इसको सेटअप करने में काफी टाइम लगा, ये जो डाई अभी यूज कर रहा है डाइस ओके। रात को ना बहुत लेट सोए हम लोग, इसलिए क्या बोलते हैं काफी लेट अभी उठा हूँ मैं। वैसे मोनोपॉली में हार गया भाई, क्या करे अभी है जिंदगी ऐसी। भाई एक गलती कर ली, मैंने शूज ही नहीं पहने और यहाँ से चलना पड़ रहा है भाई। भाई तब पता चला कि सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, हम लोग लेट उठे। पूल में स्विमिंग करने से ज़्यादा ना मुझे सिर्फ देखने में सही लग रहा है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, टेंशन ना लीजिए बिकॉज धीरे धीरे गाड़ी भगा रहा है, रास्ता सही से है, क्या बोलते कम गाड़ियाँ है एंड धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, तो चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं ये सब। भाई यार कार का मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर खाने के लिए रुके हैं एक, ये देखो गाइस खाना नहीं आ रहा तो मसाला पापड़ से काम चलाना पड़ता है। ओए ड्राइवर, ओए गाड़ी निकाल, ओए ड्राइवर यार सही से गाड़ियाँ नहीं चलाता, जल्दी से निकाल। आ जा बस से आ जा भाई। आ गए अभी हम लोग घर पे एंड कार में ना मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन चलो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने जीप कंपास को इतने दूर लेके गए, लाइक जब से लिए ना तब से हम लोग मुंबई से ज़्यादा दूर कहीं पर गए नहीं।